प्यारे बच्चों, आज हम लोग पौधों के वर्गीकरण के विषय में सीखेंगे। पौधों को पुष्प के आधार पर, आयु के आधार पर और आकार के आधार पर बांटा गया है। आइए शुरू करते हैं पुष्प के आधार पर। पौधों को पुष्पी पौधे एवं अपुष्पी पौधे दो वर्गों में बांटा गया है। पुष्पी पौधों पर पुष्प और फल लगते हैं और वह पूर्ण विकसित पौधे होते हैं। इनमें जड़, तना और पत्ती स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे कि गुलाब, सरसों, सूरजमुखी, कुमुदिनी आदि। अपुष्पी पौधों पर पुष्प कभी नहीं लगते हैं। इनमें जड़, तना और पत्ती का अभाव होता है। इनमें वंश वृद्धि पुष्पों के स्थान पर एक विशेष प्रकार की रचनाओं, बीजाणुओं द्वारा होती है, जैसे कवक, शैवाल, मॉस, फर्न आदि। आकार के आधार पर पौधे तीन वर्गों में बांटे गए हैं, शाख, झाड़ी, वृक्ष। शाख आकार में छोटे होते हैं। इनका तना कोमल, पतला तथा कमजोर होता है, जैसे मक्का, मटर, पालक आदि। झाड़ी औसत ऊंचाई वाले कठोर व मजबूत पौधे होते हैं। इनका मुख्य तना स्पष्ट नहीं होता है और यह अधिक शाखित होते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं, जैसे गुलाब, करौंदा, गुड़हल आदि। वृक्ष अधिक लंबे होते हैं। इनका तना मोटा, काष्ठीय व शाखित होते हैं। तना बेलनाकार या बहुभुजाकार होता है। नीम, आम, शीशम, चीड़ आदि वृक्ष होते हैं। आयु के आधार पर पौधों को तीन वर्गों में बांटा गया है। एक वर्षीय पौधे, ये पौधे एक वर्ष या कुछ महीनों के भीतर ही फलते फूलते हैं और अंत में सूखकर समाप्त हो जाते हैं, जैसे चना, मटर, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार आदि। द्विवर्षीय पौधे, ये पौधे दो वर्ष के भीतर ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। पहले वर्ष में पौधों में जड़, तना और पत्तियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। दूसरे वर्ष में पुष्पन, फलन तथा बीजों का निर्माण कर नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि केला। बहुवर्षीय पौधे, ये पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनके संपूर्ण जीवन काल में फूल और फल लगते रहते हैं। यह शाख, झाड़ी व वृक्ष तीनों ही तरह के होते हैं, जैसे कि गुलाब, आम, कटहल, दूब, घास आदि। Thank you.